नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा करने आया हूँ कोरोना वायरस के बारे में। जो भी आपके मन में मीथ है ना, जो भी आपने सुना है, पहले सब उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम विथ डिटेल पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड डाटा पढ़ेंगे, इंडिया वाइड डाटा पढ़ेंगे, स्टेट वाइड पढ़ेंगे, एक एक करके हम पूरा इसमें कवर करेंगे, आपकी स्टेज समझेंगे कि कोरोना वायरस की स्टेज क्या है। कोरोना वायरस की कोई स्टेज लक्षण वाली स्टेज अलग बात हो जाती है और फैलने वाली स्टेज पर बात अलग हो जाती है। अभी जो हम इंडिया में बात कर रहे हैं वो उसकी फैलने की दर की स्टेज की बात कर रहे हैं कि स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री और स्टेज फोर है क्या आखिर, वह समझेंगे। फिर अभी जो पूरे वर्ल्ड का डाटा है उसमें कितनी डेथ हो गई है, कितने इन्फेक्टेड पर्सन हैं और कितने एक्टिव केस है और कितने रिकवर्ड केस है, ये पढ़ेंगे। सिम्टम्स यानी उसके लक्षण देखेंगे और हम क्या सावधानियाँ कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई है, सभी देश यानी कि हम बात करें कि चाइना हो गया आपका मेजर, ठीक है, US हो गया, यूरोप हो गया, ये देश अभी इसके लिए वैक्सीन पर काम, सभी देश अपने अपने हिसाब से इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और सब अपने अपने लेवल पर बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये तो आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, कितनी सही बात है कितनी गलत बात है वो आज हम समझेंगे और पूरा एनालिसिस किया है इसमें मैंने बड़े अच्छे से। कल शाम से ही मैंने एक पोल आपको यूट्यूब पर दिया था और उसमें मैंने बताया था कि आप पोल में मुझे बताएं कि आप कोरोना वायरस के बारे में सही और सटीक जानकारी चाहते हैं, तो 96% लोगों ने कहा कि हाँ चाहते हैं और बाकी 4% लोगों ने कहा है कि हम नहीं चाहते। तो यदि उनको ठीक लगे तो ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा या फिर आप स्किप कर सकते हैं, पर ये आपके लिए और नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर आपके नॉलेज के लिए जो आप अपने घर वालों में या फिर किसी को मेरे इस वीडियो देखने के बाद में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं कि स्टेज क्या होती है कोरोना वायरस की। तो हमने इसमें लिखा है कि हाउ स्प्रीड कोरोना वायरस, ये फैलता कैसे है, उसी स्टेज को हम समझेंगे। फोर स्टेज आप अब पेंडेमिक, मतलब जो चार स्टेज है ये महामारी की तरह है। तो चलिए समझते हैं स्टेज वन होता क्या है। स्टेज वन दोस्तों, स्टेज वन पे यहाँ लिखा है केस मोस्टली इंपोर्टेंट फ्रॉम अफेक्टेड कंट्रीज, और ऊपर बना हुआ आपका ये कंट्री के ऊपर एक चमगादड़ है ना, बेट। तो आपको पता है मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि पहले सार्स और मार्स आए थे 2003 में, जो कि रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब कि आपके उनमें भी ये लक्षण दिखते हैं जो कि आप सांस वगैरह लेते हैं तो समस्या आती है, लेकिन उनसे निजात पा लिया गया था, मौत हो गई थी बहुत सारी, लेकिन उसका हमारे पास वैक्सीन था, उसकी बात नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना दिया गया है, वो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा कि वो वायरस है क्या। ये बता देता हूँ कि ये आपका चाइना के वुहान शहर से आया है, जो कि पूरी तरह से लॉकडाउन होने के बाद वहाँ की स्थिति पर काबू कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्टेज वन है क्या। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ से बिज़नेस के लिए, स्टडी के लिए बहुत से लोग इंडिया से बाहर जाते हैं और बहुत से टूर पर घूमने के लिए इंडिया आते हैं, ठीक है, और या बिज़नेस सिलसिले में आते हैं, या जैसे हम बाहर पढ़ाई करने जाते हैं वैसे बाहर से यहाँ इंडिया में पढ़ाई करने आते हैं। एजुकेशन सिस्टम कैसे ही हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर बात करते हैं, लिखा है केसेज मोस्टली इंपोर्टेड फ्राम अफेक्टेड कंट्रीज़। तो पहला केस होता ये है कि आपकी जो पहली स्टेज में बाहर से लोग आए हुए हैं दूसरी कंट्री से, वो आ गए हमारे इंडिया में और उनको नहीं पता है कि उनको कोरोना वायरस है, ठीक है, और पता भी होगा तो वो किसी तरह से टेबलेट वगैरह उपयोग करके जब वहाँ आपकी चेकिंग होती है एयरपोर्ट से तो बच के किसी तरह से आ जाते हैं इंडिया में, लेकिन फ़्लाइट रद्द तभी कर देनी चाहिए थी जब ये चाइना में बुरी तरीके से फैला हुआ था। तब अगर ऐसा हो जाता, पूरी तरह से फ़्लाइट रद्द हो जाती या सब हो जाता, तो आज यह समस्या नहीं आती मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अभी चर्चा करूँगा कि ऐसा करने से इकोनॉमी पर तो प्रभाव अभी पड़ रहा है जब 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है और पहले भी पड़ता है, ठीक है। तो पहली स्टेज समझ में आ गई होगी आपको कि जब व्यक्ति बाहर से आए हैं और अपने साथ लेके आए हैं, बाहर के ग्रुप इटली वगैरह से, ईरान से, कहीं से भी आए हैं, लेकिन अपने साथ वो कोरोना लेके आए हैं। अब क्या हुआ है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सर्विस है, टैक्सी चालक है, मतलब वाहन चालक है, बसेस चलाते हैं, तो ये लोग इंडिया में घूमेंगे तो अपने साथ कोरोना लेके चलेंगे, तो उसको बोलते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो लोकल वाले लोगों से मिलकर उन चीज़ों को फैलाएंगे, ठीक है। फैलता कैसे, एक दूसरे को छूने से फैलता है, आप यदि व्यक्ति के पास खड़े हैं वो खांसता छींकता है तो इस संक्रमण रोके तब फैलता, हवा में इसके वायरस नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खांसता छींकता है तभी उसी टाइम इसके वायरस रहते हैं। तो स्टेज टू आपको समझ में आ गई कि बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा लोकल के लोगों में यानी कि हमारे इंडिया के लोगों में वो चीज़ फैलाना, ये हो गया आपकी स्टेज टू। कल तक हम स्टेज टू में थे और हम स्टेज थ्री की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम देखिए स्टेज टू में इंसान को ढूंढ पाना मुश्किल है। कैसे कि स्टेज टू का हमें पेशेंट मिला, उससे पूछा कि भैया कौन से ऐसे व्यक्ति को तूने बिठाया था जिसके कारण तुझे रोग हुआ, तो वो बता देगा कि मैंने इस व्यक्ति को बिठाया था मेरी टैक्सी में, ठीक है। तो ये स्टेज टू तक हम इस पर कवर कर सकते थे, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको कि स्टेज थ्री क्या है। डिजीज स्प्रीड इन कम्युनिटी लार्ज एरियाज गेट अफेक्टेड,
यानी कि यह बीमारी जब ये व्यक्ति थर्ड पर्सन है जो कि हमारे इंडिया का है, ये अपने घर जाएगा, परिवार वालों से मिलेगा, वहाँ 5 व्यक्ति इसको पता भी नहीं है कि कोरोना वायरस इफेक्टेड व्यक्ति से मिला है, और ये अपने घर जाएगा, इसको नहीं पता था, तो ये सबसे मिला, तो 5 लोगों को इसने कोरोना कर दिया। वो 5 लोग महिलाएं, आपको पता है समुदाय में बैठती है, 10 मतलब झुंड में बैठती है। हम सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड करने की हमने बहुत कोशिश की, लॉकडाउन किया 1 दिन का, लेकिन फिर भी पता चला कि कम्युनिटी स्प्रेड हुई है। थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड, यानी कि आप समुदाय से समुदाय में उस चीज़ को फैला रहे हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन जो कि टैक्सी चला रहा था, वाहन चला रहा था, या किसी तरह से बाहर से आए व्यक्ति से संपर्क में आ रहा था, वो अपने घर गया या फिर समुदाय में किन्हीं लोगों के पास गया, और उसने कम्युनिटी में ये चीज़ें फैला दी। ठीक है, इसके बाद इस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि पर्टिकुलर बाहर वाले पर्सन से यदि घर वाले या जो टैक्सी चालक है उसके पास आया तो हमने पूछ लिया कहाँ से आया, लेकिन जब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो ये एक लार्ज स्केल में फैल गया। लार्ज स्केल में फैलने के बाद पता करना मुश्किल है कि ये अब आया कहाँ से। बात एक उदाहरण लेना चाहूँगा मैं आपके पास में, कन्या कपूर को आप जानते हैं, है ना, सिंगर है, लखनऊ में पार्टी वगैरह की, उसके बाद में कोरोना का पता होने के बाद भी फैला, है ना। तो वो क्या थी, बाहर गई थी, लंदन से शो करके आई थी, लेकिन जब एयरपोर्ट से आई तो उनका कहना था कि वहाँ से वो नेगेटिव थी, कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखे थे। आपको पता है बाद में लक्षण पता चलते हैं इसके, पार्टी में होने के बाद में उन्होंने बहुत से लोगों को शायद अफेक्टेड किया, नहीं किया, तो ये गलती थी, पता होने के बावजूद भी अभी उनको क्वारंटाइन किया गया है, FIR दर्ज है। तो ये लोगों के साथ, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। उसमें अच्छे अच्छे सांसद इंक्लूड हैं पार्टियों में, वो सांसद जाके राष्ट्रपति से मिले, है ना, वसुंधरा राज सिंधिया जो भी है, ये सब आपने न्यूज़ पर देख लिया होगा। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड हमें नहीं करना चाहिए, मतलब अगर नहीं भी हमें नहीं पता है, मास्क यूज़ कीजिए, आप लोगों से हाथ मत मिलाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, नहीं है सैनिटाइज़र साबुन से हाथ धोइए रेगुलरली। स्टेज 4 क्या है, स्टेज 4 में ये आपकी जो बीमारी है, डिजीज़ टेक्स सेफ ऑफ एन एपिडेमिक विथ नो क्लियर एंड पॉइंट, यानी कि एक महामारी का रूप ले लेगी और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब ये फिर फैलते रहेगा, मतलब कोई भी नहीं रोक सकता इसको। इटली एंड चाइना आर ऑलरेडी देयर, आपको पता है इटली में सबसे अधिक ज़्यादा संख्या में मृत्यु हो चुकी है, जनसंख्या वहाँ की 6 करोड़ के आसपास है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, जो भी है भगवान के भरोसे है, क्योंकि एक जो देश दूसरे नंबर पर आ रहा है आपके स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर, आज वो कुछ नहीं कर सकता और भारत हमारे 102 नंबर पर है। तो आप सोचिए, उनके पास इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। उसका कारण एक यह भी था कि वहाँ पर बूढ़े लोगों की आबादी ज़्यादा है, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है ना। तो ये आपको स्टेजेस समझ में आ गई होगी कि कोई बाहर से व्यक्ति आया, स्टेज 2 वह हमारे लोकल किसी व्यक्ति से संपर्क में आया, स्टेज 3 लोकल वाला आपके कम्युनिटी में बैठा और उसने, और फिर कम्युनिटी से कम्युनिटी फैलने लगा। तो स्टेज 3 और 4 बड़ी ही कठिन स्टेज है ये, और अभी हम स्टेज 3 पर है। देखो दोस्तों, कोई इस बात को लेकर इसीलिए 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि भयानक तरीके से फैलेगा ये, है ना। और अभी गर्मी अर्मी का क्लियर नहीं कर सकते हम। चलिए हम पहले समझते हैं कोरोना वायरस है क्या। देखिए, कोरोना वायरस के कारण जो बीमारी हो रही है उसका नाम है COVID-19, जिसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस की बीमारी, ठीक है, जिसको हम बोले। उस वायरस कौन सा है, वायरस का नाम है SARS-CoV-2, ठीक है, कोरोना वायरस 2, ये वायरस का नाम है जिसके कारण आपका ये रोग हो रहा है। मैं इसको जल्दी ख़त्म करूँगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप बोर हो जाएंगे। चलिए, अब हमने कहा था कि हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, है ना, जो आपके लिए जाननी होगी वो पहले बात करेंगे। इसमें सिर दर्द होता है, खांसी होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, और बुखार और थकान। संक्रमण होने से पहले बुखार होता है, फिर सूखी खांसी होती है, 1 हफ्ते के बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है, और मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। यानी कि आपको लक्षण दिखे तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना ही करना है ना, क्योंकि आपकी वजह से कोई और इन्फेक्टेड हो जाएगा, ये आप भी नहीं चाहेंगे। जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती उनके लिए हैं सिम्टम्स, पीपल में एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करें, रनी नोज, 5% केसेस में आपको दिखेगा कि रनी नोज इसमें होती है, बाकी 95% रनी नोज नहीं होती है इस रोग में। इसका मतलब आपको यदि रनी नोज है तो आप समझ लीजिए कि नॉर्मल लक्षण है, इसमें आपको कोरोना वायरस नहीं, लेकिन फिर भी कंसल्ट करना जरूरी है डॉक्टर से। यानी कि 95% केसेस कोरोना में रनी नोज नहीं है, बहती हुई नाक का इसमें कोई लक्षण नहीं है। अगर ऐसा है तो वो आपकी नॉर्मल सर्दी खांसी है। शोर थ्रोट यानी कि आपके गले में खराश, कफ, फीवर यानी बुखार, और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग यानी सांस लेने में समस्याएं, ये आपके सिम्टम्स हो गए। क्या करना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताए गए सिम्टम्स है, डॉक्टरों के द्वारा बताए गए हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और मेडिकल एडवाइस लेना है। अब हम बात करेंगे पूरे दुनिया भर के डाटा के बारे में कि कितने लोग इस से पीड़ित हैं। तो ये जो है ये आपका गूगल का डाटा है, आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा,
कोरोना वायरस अपडेट करेंगे तो आप, तो देखिए इसमें हम बताते हैं, मैंने कर्सर रखा था इंडिया पर, ये जो दिख रहा है ना आपको, धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको, ये दिख रहा है 1 से 9, 10 से 99, ये संख्याएं हैं है ना, कि कौन से देश में कितने लोग हैं। तो जो कलर डार्क डार्क है वहाँ पर कितने, जो वो यहाँ पर 10,000 ज़्यादा केसेस है, तो ये आपका US, UK हो गया, ये चाइना हो गया है ना, ये जितने 4 देश हैं इनमें क्या है 10,000 से ज़्यादा ऊपर है। अब हम बात करते हैं हमारा इंडिया कहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, इसमें कितने कन्फर्म केसेज है, 536, अभी 562 हो गए हैं, उसकी भी अपडेट मैंने ग्राफ के द्वारा इसमें करी हुई है कंप्लीट। तो ये मैप दिख रहा होगा आपको, 198 देश जो है इसके चंगुल में है, कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जो बचा हुआ इस चीज़ से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि सभी के पास ये जानकारी पहुँचे है ना। देखो ये अब लिखा है हमने, हाउ मैनी पीपल इन्फेक्टेड बाई डिजीज कोरोना, ये जो कोरोना वायरस है उसके कारण जो रोग हो रहा है, COVID-19 ये वायरस नहीं है, ये इससे होने वाला रोग है, वायरस का नाम SARS-CoV-2 है, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। ये भी आपको गूगल का डाटा है, गूगल के डाटे के अनुसार क्या है वर्ल्ड वाइड डाटा, कि कन्फर्म केस कितने हैं पूरे पूरी दुनिया में, 422,629, ठीक है, और 1 मिलियन पीपल पर कितने केस है, ये आपकी ये मोर्टेलिटी आपकी रेट है, और रिकवर्ड पर्सन कितने हैं यहाँ पर देखिए, ये कितने लोग रिकवर हुए हैं, 1,08,879 लोग, और डेथ कितनी हुई, 18,895 लोग मर चुके हैं। चाइना शीर्ष पर है, इटली दूसरे नंबर पर, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट, मैंने अभी आपको मैप में बता दिया था, इटली चाइना जो कि सबसे ज़्यादा केसेस है, 10,000 से ऊपर यानी कि लाखों में पहुंच गए उनके पास। अब यहाँ देखिए केसेस, चाइना में कितने केस थे, 81,218, ठीक है, अब यहाँ रिकवर कितने कर लिए चाइना ने, 73,650, डेथ कितनी हुई, 3,281। फैला कहाँ से, चाइना के वुहान शहर से फैला था। इटली में कितने केस हुए आपके, 79,176, उसमें से आपके 8,326 लोग, इनका इम्यूनिटी सिस्टम कम था, उम्र में ज़्यादा लोग थे इसलिए नहीं बचा सकी सरकार है ना, और जहाँ पॉपुलेशन यंग होती है वहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, तो रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि 20, 25, 30 साल तक की उम्र के यदि हैं तो रिकवर हो जाते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, आपको बस इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ आपको जब क्वारंटाइन किया जाता है तो कुछ आपको मेडिसिन वगैरह दी जाती है जैसे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और थोड़ी बढ़ जाए। डेथ कितनी हो गई यहाँ पर, 6,820, ये डेथ आपके 8,000 से ऊपर पहुँच गई, मैं अभी आप डिस्कस करूँगा इसके बारे में। ये आपको दिख रहा है इंडिया तो नीचे 17वें 18वें नंबर पर, यहाँ पर 536 केस इसमें दिखे हुए हैं, ये कल शाम तक का डाटा है, यहाँ पर 40 क्या हुए रिकवर हुए हैं है ना, और 10 की डेथ हो गई, ये 11 हो गई बढ़ के, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड ये चर्चा करते हैं, ये एक दिन पुरानी हो गई थी, अब देखिए 422,829 क्या हो गया आपका, ये कोरोना वायरस के केस हो गए, 18,907 इसमें क्या डेथ हो गई, और आपकी रिकवर कितने हुए, 1,09,102 लोग रिकवर हुए हैं यानी ये ठीक हो गए हैं, जिसमें से आपके 80 से ज़्यादा तो 80,000 के समथिंग तो चाइना के ने ही रिकवर किए हैं, यानी चाइना ही सबसे ज़्यादा रिकवर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई ना कोई वैक्सीन है या दवा है जो इतनी आसानी से वो रिकवर कर रहा है लेकिन बता नहीं रहा है, मेरा मानना है, आपका मानना क्या है वो मुझे आप कमेंट्स कीजिएगा। देखिए एक्टिव केस कितने हैं, क्लोज केस कितने हैं, पूरे केस हमने देख लिए, अब हम देखेंगे एक्टिव केस कितने हैं, 2,94,000 यानी कि 1 लाख लोग रिकवर हो गए, उसके बाद 2,94,820 एक्टिव केस है, और आपके कितने बंद हो गए, 1,28,009 केसेस, इसमें आपके रिकवर हुए लोग और मरने वाले लोग इंक्लूड हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए डेथ कितने हो गए, 18,907 और रिकवर हो गई ये, और यहाँ पर एक्टिव केस में 2,81,000 माइल्ड कंडीशन में है, और 13,095 ये क्या है आपके 4% सीरियस कंडीशन में, तो ये आपका एक्टिव केसेस और क्लोज्ड केसेस हो गए, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, टोटल केस एंड टोटल डेथ, ये आपका ग्राफ है कि ग्राफ कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, देखिए कितनी तेज़ी से फैल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बाद ये टोटल केस कितनी स्पीड से बढ़ गए, उसी ही स्पीड से सेम उतनी स्पीड से लोगों की मृत्यु हो रही है, January 22 से लेकर 18 तक का है, ये 22 से लेकर 18 तक का है, कितने पहुँच गए देखिए, टोटल केसेस 4 लाख से ऊपर पहुँच गए हैं, और आपकी डेथ जो है वो 18 के समथिंग पहुँच गई है, अभी हमने देखा था, देख रहा है आपको 20 के लिखा है यहाँ पर, ये स्थिति है अभी, ग्राफ के द्वारा थोड़ा समझना आसान हो जाता है, इसलिए अब हम बिल्कुल एक्यूरेट जो कि आपके हर 15 मिनट में अपडेट होती है, अब जब आप देख रहे हैं आप ये समझ लीजिए कि आप 2-1 घंटे का ही पुराना डाटा देख रहे हैं। देखिए चाइना में 81,218 केस थे, न्यू केस कितने इसमें ऐड हो जाएंगे और 47, टोटल डेथ कितनी वहाँ पर 3,281, न्यू डेथ कितनी हो गई उसमें 4 हो गई, टोटल रिकवर किसने कितने कर लिए इसने 73,650, एक्टिव केस कितने अभी 4,287, सीरियस कितने हैं 1,399, और ये आपकी यहाँ मोर्टिलिटी रेट है,
है ना, पर मिलियन मरने वाले लोगों की संख्या। देखिए दोस्तों, इटली जो है वो भयंकर तरीके से जूझ रहा है इस समस्या को लेकर। तो यहाँ पर देखिए टोटल डेथ कितनी हो गई आपकी, 6,820, और यहाँ पर इटली में कितने टोटल केस है, 69,176। टोटल रिकवर कितने किए हैं अभी तक इसने, 8,326। रिकवर की रेट बहुत कम है, और ये जो इटली की संख्या ये भी 8,000 के समथिंग पहुँच गई है। मतलब हालात भयंकर तरीके से ख़राब है। बात करते हैं इंडिया की, देखिए मैंने इंडिया का यहाँ पर हाईलाइट किया है। इंडिया में 562 केस है अभी रिसेंटली, 26 और ऐड करेंगे 11 की डेथ हो गई, एक नई ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे, 40 लोग रिकवर हुए हैं, और अभी एक्टिव केस है हमारे पास 511, और मोर्टेलिटी रेट है आपकी 0.4%। ये इतनी जल्दी फैल रहा है दोस्तों कि 67 दिन में ये 1 लाख लोगों को हुआ था, और उसके 11 दिन बाद ये 2 से 2.5 लाख लोगों में हो गया था। कल हमारे पीएम मोदी ने सबको अपील या आग्रह किया था, उसमें बताया था कि कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से फैल रही है महामारी। और ये महामारी का नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि इसका हमारे पास कोई उपचार अभी नहीं है, सिर्फ हम प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट है, इसको भी हम देखेंगे कि उनने क्या रिपोर्ट पेश की है, ये भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो आप पहले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसमें 194 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, और अभी जो इसके महानिदेशक हैं उनका नाम है टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस। विश्व संगठन के ये महानिदेशक जो है इनको चुना गया है। ये सभी करती क्या है, ये विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। उसके अनुसार ये जो आपको जितने केसेस ये दिख रहे होंगे आपको, कुछ ना कुछ इसमें यहाँ लिखा है इंडिया, आपको यदि दिखाई दे रहा होगा तो 519 केस, क्वालिटी 720p कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ ये डॉट दिख रहे हैं आपको, ये सभी पीड़ित देश हैं। इसमें कौन सा देश पीड़ित नहीं है उसके बारे में बात करूँगा आपको, वीडियो अंत तक देखिएगा आप, बहुत ही समझने लायक बात है। ये ग्राफ दिख रहा होगा आपको कि जनवरी 22 के दिन स्थिति ये थी, और मार्च के दिन आपकी स्थिति ये है। यहाँ 40,000 केस रोज़ 40 से 50,000 केस रोज़ ऐड हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में इस बीमारी को लेकर। यह ग्राफ है कितनी स्पीड से आपका कर्व कर रहा है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए अगले हम बात करते हैं अब इंडिया की। देखिए जनवरी में केरला में एक केस देखा गया था, दिख रहा है आपको कम्प्लीटली। अब कितनी जल्दी बढ़ा ये देखते हैं अपन, ये indiatoday.com से लिया गया है। हाईएस्ट टू लोवेस्ट देखते हैं पहले। केरला में 95 केसेस हैं, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र में 89 केसेस, केरला से स्टार्ट हुआ था वहीं सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में। इसमें आपको एमपी का नाम नहीं दिखेगा, वो लोवेस्ट वाले में दिखेगा, 6 केसेस हैं, इसलिए इसके बाद चंडीगढ़ के बाद दिख रहा है, इसके बाद है वो, है ना। ये मार्च 24 की स्थिति है 519, और अभी की रिसेंटली स्थिति है 562। समझ में आ गया आपको कि कितनी जल्दी फैल गया ये। और आपको पता है ये आपका जब भारत सरकार के द्वारा उन लोगों पर फोकस किया गया जो कि बाहर से आए हैं, और जिनमें लक्षण दिखे हैं कि अभी अभी रिसेंटली कौन आया है उन पर जब काम किया गया, तब 562 केस है। हमारे पास 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, अगर चेक करने निकलेंगे, हमारे पास यूनिट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है कि हम सबको चेक कर पाएँ, हमारे पास ऐसी कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं है कि हम पर डे भी सॉरी हम पर डे भी 40 से 50,000 लोगों को चेक कर पाएँ, इतनी अच्छी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। तो हम सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, इसीलिए लॉकडाउन किया गया है ताकि ये फैले ना, लेकिन फिर भी इसका उल्लंघन करेंगे लोग, क्योंकि समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या समस्या है। ये रेट आपको समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड। अब देखिए लोवेस्ट और हाईएस्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका एमपी का नाम है इसमें, क्योंकि मैं एमपी से हूँ इसलिए एमपी पर फोकस कर रहा हूँ। ये देखिए एमपी में 7 केसेस हैं, उसके बाद में आपके हरियाणा में, और इस तरह से ये बढ़ते हुए है ना, लोवेस्ट कितने हो गए, ये कम से लेकर बढ़ते हुए तक है। तो ये स्थिति हो गई हमारे 2 महीने में इंडिया की। अगर हम सही तरीके से चेकिंग या जांच की जाए तो 20,000 से कम केसेस नहीं निकलेंगे। अब हम इसमें सावधानियां क्या रख सकते हैं, देखें वुहान से आया है ये कोरोना वायरस, ठीक है। हमें मास्क पहनना है, कंपलसरी है मास्क पहनना है। मास्क पहनने के लिए आपको इससे होगा क्या कि आप अपनी आँख नाक और होठ मुँह वगैरह को छू नहीं पाएंगे, जिससे कि आपके हाथों के कीटाणु आपके शरीर में अंदर नहीं जाएंगे। ये बेनिफिट है। मास्क को पहनना कैसे है, ये आपको कान से उतारना है और कान से ही पहनना है, मतलब मास्क को हर जगह नहीं छूना है, और हर आधे घंटे में सैनिटाइज़र हाथ को लगाना है यदि आप नई सरफेस को छूते हैं तो, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यानी कि आपको हर घंटे 1.5 घंटे बाद 3 घंटे बाद हाथों को धोना है, साबुन से भी धो सकते हैं, वायरस ख़त्म हो जाता है उससे, अच्छे से धोइए आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप सैनिटाइज़र, आप तब है सैनिटाइज़र जब बाहर जाते हैं पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती, तब आप सैनिटाइज़र लगा सकते हैं। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद लाइव एनिमल्स, यानी आपको जो जीवित प्राणी है, जंतु है, जानवर है, यानी मछली मुर्गे मवेशी, इनसे सबसे दूर रहना है ना। डू नॉट कंज्यूम रॉ मीट्स, यानी कि आपको कोशिश करना है कि आप कच्चा नहीं खाएं और पका कर खाएँ, है ना। अगर खाते लेकिन छोड़ दीजिए, थोड़े दिन की बात है, 21 दिन का लॉकडाउन हो गया है, खाकर भी क्या करेंगे आप।
अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद सस्पेक्टेड, अगर आपको लगता है कोई पर्सन है उसको खांसी सर्दी जुकाम है तो अवॉइड कीजिए, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से नमस्ते कीजिए, हाथ मत मिलाइए। सारा देश आज भारत के नमस्ते को यूज़ कर रहा है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं गले नहीं मिलना है, आपको नमस्ते करना है। ऑब्जर्व गुड पर्सनल हाइजीन, आपको एक अच्छा हाइजीन अपनाना है, ठीक है, हैबिट अपनाना है, हैंड वॉश करना है, दूसरों को बताना है आप पढ़े लिखे हैं। लोग गांव में मैंने देखा ताश खेल रहे हैं, भजन कर रहे हैं झुंड बनाकर, तो उनको समझाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। वो नहीं चलाते स्मार्टफोन, वो नहीं देखते यूट्यूब, हम देखते हैं, आप देखते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी। आप लोगों को अवेयर करें, उनको बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 6,500 केसेस यदि हम चेक करते हैं तो उसमें से 30 या 40 केस पॉजिटिव मिलते हैं कोरोना के। तो सोचिए अगर 6 या 10 हज़ार पे अगर आपको 50 केस या 70 केस मिलते हैं तो कितनी बुरी स्थिति होने वाली है। आप यदि खांसी करते हैं तो टिशू में करें उसको डिस्पोज, कहीं फेंके नहीं उसको। यदि आपको खांसी आती है तो आप कोहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हाथ पर नहीं करना, किसी भी सरफेस को नहीं छूना है। और यदि आपको किसी प्रकार के, मैंने जो आपको लक्षण बताए हैं, खांसी सर्दी जुकाम या कफ या फिर आप ब्रीथ लेने में कोई समस्या आ रही सांस लेने में, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। लास्ट में एक और आपको जानकारी देना चाहूँगा मैं, वीडियो 21 मिनट का हो गया लेकिन आपके लिए ज़रूरी था, कि जो आपका नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया में किम जोन ने चाइना को बोल दिया है कि अगर एक भी चाइनीज़ व्यक्ति मेरी बॉर्डर के आसपास, जो कि 1408 किलोमीटर की बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से मिलती है चाइना की, कि अगर दिख भी गया तो मैं उसको वहीं उड़ा दूंगा, यानी कि एक भी केस नहीं है। और वो चाहता ही नहीं बिल्कुल भी कि कोई इसमें एहतियात किसी तरह से गलती की जाए, और जितनी सावधानी हो सके अपने लोगों, आपको पता है कि सन के तानाशाह कहा जाता है किम जोन को, उसने बोल दिया कि अगर किसी ने भी ज़रा सी भी इसमें गलती की या फिर कोई हल्के में ले लिया इस चीज़ को, किसी भी डॉक्टर वगैरह ने, तो वो वहीं मार देता है उनको। मतलब सन के तानाशाह मान लो या फिर अपने लोगों के प्रति अच्छी सोच मान लो, है ना, किम जोन सर्च कर लें नॉर्थ कोरिया, एक भी पॉजिटिव केस नहीं है वहाँ पर। और चाइना की जो मतलब सीज़ फायर कर रहा है वो इधर से डराने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति बॉर्डर के आसपास भी दिखना चाहिए, है ना, तो ये स्थिति है। और क्यों कर रहा है, एक उसको पता है कि सारे देश इस चीज़ से जूझ रहे हैं, और मेरे देश में अगर आ गई तो इसका कोई दवाई वगैरह तो है नहीं, वैक्सीन तो है नहीं, तो मैं कैसे अपने लोगों को बचा पाऊँगा। तो यही कदम उठाना चाहिए था इंडिया को जब चाइना में ये चीज़ फैल रही थी। अब देखिए इटली, ईरान, यूके, यूएस, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं जिनके आगे हम कुछ भी नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज़ में लेकर, वो इस समस्या से निदान नहीं पा रहे, तो हमें तो बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। गाँव में ये चीज़ पहुँच गई ना, मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों का अवेयर करें, ठीक है, मैंने जो बताया है किस तरह से अवेयर करना है ये आप लोगों का काम है। आप पढ़े लिखे नागरिक हैं, इतना तो कर सकते हैं 21 दिन के लॉकडाउन में, है ना, लोगों को समझाएं, ये आपका काम है। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और आई होप आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और जानकारी सही लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि सर हाँ हमें बिल्कुल समझ में आ गया आपने जो बताया वो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।